चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी का हिमाचल दौरा है आज और ऐसे में यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली है। हमीरपुर की भोटा मंडी के सकराघट में करेंगे जनसभा। सोलन में भी सीएम योगी की चुनावी जनसभा होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं हिमाचल में स्टार प्रचारकों की बीजेपी की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिनमें से एक का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ है और ऐसे में उनके प्रशंसक काफी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब बीजेपी संगठन को हिमाचल में और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल का दौरा करेंगे आज और ऐसे में यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई मायनों से यह दौरा बेहद खास हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरेंगे तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि उनके प्रशंसक उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं और ऐसे में इसका सीधे तौर पर असर जो है वो चुनावों पर कितना पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि ये चुनावी दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्या कुछ अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ कहेंगे इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ जारी है। बीजेपी की ओर से तमाम बड़े मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या स्टार प्रचारकों की लिस्ट हो, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और ताबड़तोड़ दौरे जारी है बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा। ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं। सोलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे और ऐसे में सीएम योगी का हिमाचल दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। बड़ी जानकारी, सोलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी जनसभा करेंगे। हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमीरपुर की भोटा मंडी की सकराघट में करेंगे जनसभा को संबोधित। सोलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे। तो प्रयास बीजेपी द्वारा यही रहने वाला है कि जो जो क्षेत्र अगर कहीं से भी कमजोर पाए जा रहे हैं वहां पर कैसे संतुलन बिठाया जाए, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, जातीय संतुलन हो, जिसके चलते बीजेपी अपने तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतार रही है और ऐसे में लगातार एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। कोई भी खामी ना रहे चुनावी जंग में, इसको लेकर बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार नजर आ रही है। हिमाचल के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता और ऐसे में चुनावी बिगुल बज चुका है हिमाचल प्रदेश में। 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनावी रैली करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर चुनावी जो ये रैली है उसके बाद कितना असर पड़ेगा, संगठन पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में जब चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ तो वो देखते ही बनेगा, क्योंकि उनके प्रशंसक बेहद ज्यादा है जिसके चलते उन्हें मैदान में उतारा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, किन किन मायनों में यह दौरा बेहद खास है, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर जो स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है उसको भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका कार्यक्रम रखा और आज वह हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। करीब सुबह 9:25 का समय होगा जब अमौसी एयरपोर्ट से वह चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 10:25 पर वह चंडीगढ़ पहुंचेंगे और वहां से सीधे वह राधा स्वामी भोटा हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे और हमीरपुर की बड़सर विधानसभा प्रत्याशी माया शर्मा के लिए वह बड़ी जनसभा करने वाले हैं। तो करीब 45 मिनट की यह जनसभा होगी और इस जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहद क्यों जरूरी है, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम करती है और उत्तर प्रदेश में जो मॉडल अपनाया गया डबल इंजन का उसके बारे में वो चर्चा करेंगे और किस तरीके से कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया और वही मॉडल पेश करने के लिए आगे अन्य प्रदेशों में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बारे में बताएंगे। जी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मॉडल तैयार किया गया है, क्या वो मॉडल हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में लागू होगा और ऐसे में लोग कितने अट्रैक्ट होंगे इस मॉडल से, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।